फाइनली गाइस इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 8। गाइस ये स्मार्टफोन रियली हॉट है क्योंकि दोस्तों ये स्मार्टफोन जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका प्राइस का सबसे बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन गाइस इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है उसी प्राइस के आसपास रियलमी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा रियलमी 3i। तो यहाँ पर काफी सारा दोस्तों कन्फ्यूज है इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बाय किया जाए। बताया जाए दोस्तों इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। अगर आप कन्फ्यूज हो, अगर आप जानना चाहते हो कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में इस दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा, उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बीच में वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कर दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्राइस का सबसे। लेकिन गाइस यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के अंदर स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको ज्यादातर डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कौन सा स्मार्टफोन के अंदर अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है क्योंकि दोस्तों कौन सा स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका प्राइस का सबसे। पहला दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के डिजाइन के बारे में बात किया है तो रियलमी 3i के अंदर आपको देखने को मिलेगा बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बोनेट का बॉडी, डुअल कलर ग्रेडिएंट भी देखने को मिलेगा, उसी के साथ डुअल कैमरा सेटअप और एक एलईडी फ्लैक्स और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फोन साइड की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा और इसका जो डिस्प्ले का बेजल होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। कहने की बात है रियलमी 3i के अंदर आपको बहुत ही अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा और वहां पर इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको देखने को मिलेगा बैक साइड की तरफ डुअल कलर ग्रेडिएंट, उसी के साथ साथ पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको देखने को मिलेगा, ट्रिपल रियर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर और एक एलईडी फ्लैक्स देखने को मिलेगा बैक साइड की तरफ। और फोन साइड की तरफ बात किया जाए तो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्मार्टफोन आने वाला, उसी के साथ साथ स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले का बेजल होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। कहने की बात दोस्तों यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के डिजाइन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बेटर देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। गाइस यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है इन्फिनिक्स हॉट 8 क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.53 इंची HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा और इसका जो बेजल होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। कहने की बात दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको बहुत ही अच्छा खासा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है और वहां पर Realme 3i के अंदर आपको देखने को मिलेगा 6.22 इंची HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ इसका जो बेजल होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है। वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्मार्टफोन भी आने वाला है। कहने की बात है Realme 3i से आपको थोड़ा बहुत बेटर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर। इसलिए दोस्तों यहां पर डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है इन्फिनिक्स हॉट 8। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। गाइस यहां पर प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है Realme 3i क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा Helio MediaTek का P60 चिपसेट देखने को मिलेगा जो एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ में, उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर में बेस्ड है। कहना की बात है दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा और वहां पर इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको देखने को मिलेगा Helio MediaTek का P22 चिपसेट जो एक ऑक्टाकोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 गीगाहर्ट्ज़ में, उसी के साथ साथ ये प्रोसेसर 14 नैनोमीटर में बेस्ड है। कहना की बात है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इससे कहीं गुना आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा Realme 3i के अंदर। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में। गाइस यहां पर रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है इन्फिनिक्स हॉट 8 क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा बैक साइड की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा जो आने वाला है 13 मेगापिक्सल जो इसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है, उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल लो लाइट अपर्चर करने के लिए, उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। कहना की बात है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा और वहां पर Realme 3i के अंदर बैक साइड की तरफ आपको देखने को मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप जो आने वाला है 13+2 मेगापिक्सल के साथ, 13 मेगापिक्सल इसका प्राइमरी सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ एनेबल करने के लिए। कहना की बात दोस्तों Realme 3i के अंदर जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा इससे आपको थोड़ा बहुत बेटर पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। गाइस यहां पर सेल्फी कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है Realme 3i क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। इसका जो अपर्चर होने वाला है 2.0 अपर्चर जो लो लाइट में बहुत ही अच्छे खासा फोटो खींचेगा और वहां पर इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल। इसका जो अपर्चर होने वाला है 2.0 अपर्चर जो लो लाइट में बहुत ही अच्छे खासा फोटो खींचेगा। कहना की बात दोस्तों यहां पर रियर कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है इन्फिनिक्स हॉट 8 और सेल्फी कैमरे के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है Realme 3i।
इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। गाइस यहाँ पर बैटरी के बारे में बिल्कुल बाजी मारता है इनफिनिक्स हॉट 8, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5000 एमएच के बैटरी, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको माइक्रो एसपी पोर्ट देखने को मिलेगा और गाइस यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। कहना की बात है दोस्तों, यहाँ पर इनफिनिक्स हॉट 8 के अंदर जो बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एक दिन तक आराम से निकल जाएगा। और वहाँ पर रियलमी 3i के अंदर आपको देखने को मिलेगा 4230 एमएच के बैटरी देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ स्मार्टफोन के अंदर आपको माइक्रो एसपी पोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। कहना की बात दोस्तों, रियलमी 3i के अंदर जो बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इससे आपको कई गुना बेटर आपको बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इनफिनिक्स हॉट 8 के तरफ। दोस्तों इसके बाद आते इस दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज के बारे में। गाइस यहाँ पर इनफिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक वेरिएंट स्टोरेज जो आने वाला है 4GB 64GB के साथ, और वहाँ पर रियलमी 3i के अंदर आपको देखने को मिलेगा दो वेरिएंट स्टोरेज जो आने वाला है 4GB 64GB के साथ, 3GB 32GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको आउट ऑफ बॉक्स पाई देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ इस दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। कहना की बात है ये दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका प्राइस के हिसाब से। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। गाइस यहाँ पर रियलमी 3i का जो बेस वेरिएंट 3GB 32GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 8000 रुपीज के अंदर, और वहाँ पर इनफिनिक्स हॉट 8 का जो बेस वेरिएंट 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 7000 रुपीज के अंदर। कहना की बात है इस दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका प्राइस के हिसाब से। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। अगर आप रियलमी के ब्रांडिंग पसंद करते हो, अगर आपका बजट है 8000 रुपीज, तो 8000 रुपीज के अंदर रियलमी के एक ऐसा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो जिसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा हो, जिसके अंदर कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा हो, जिसका डिजाइन आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिले, तो दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ सजेस्ट करूंगा रियलमी 3i बाय करने के लिए। अगर आप इनफिनिक्स के ब्रांडिंग पसंद करते हो, अगर आपका बजट है 7000 रुपीज, तो 7000 रुपीज के अंदर इनफिनिक्स के ऐसा स्मार्टफोन चाहते हो जिसके अंदर डिजाइन बहुत ही अच्छा खासा हो, जिसके अंदर बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा हो, जिसके अंदर बैक साइड की तरह ट्रिपल रियर कैमरा हो, तो दोस्तों मैं आपके लिए सिर्फ सजेस्ट करूंगा इनफिनिक्स हॉट 8 बाय करने के लिए। इसके बाद आते हैं इस दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन मेरे हिसाब से बेस्ट होने वाला है। बताया दोस्तों, मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है इनफिनिक्स हॉट 8, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस आपको 7000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा और 7000 रुपीज के अंदर आपको ऑल एवरेस्ट पैकेज देखने को मिलेगा। हाँ गाइस, इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है जो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ पर आप छोटा मोटा गेम खेल पाओगे। दोस्तों यहाँ पर बताया जाए तो इनफिनिक्स हॉट 8 गेमिंग छोड़कर बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है रियलमी 3i। दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से तो बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है इनफिनिक्स हॉट 8, तो आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेंड्स वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।